योजना देश की 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों के लिए 10 लाख तक लोन, जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। उच्चतर शिक्षा पाई मेधावी छात्र छात्री को मिले प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार होता कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी। अर्थ अभाव पाठ पढ़ारू वंचित होता गरीब मेधावी छात्र छात्री को मिल 10 लाख टंका पर्यंत ऋण। यहाद्वारा देशर 860 सर्वोत्तम शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री उपकृत हेबे। अर्थात एही शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे पढ़ुवा प्राय 22 लाख रु अधिक मेधावी छात्र छात्री बिना ग्यारंटर रे ऋण उपलब्ध हेबो। एहा द्वारा छात्र छात्री माने सेमानंक ट्यूशन फी और अन्यान्य खर्च भरणा करिबाकु सक्षम होई पारिबे। फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रहे, तो पीएम विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। उच्चतर शिक्षा पाई मेधावी छात्र छात्री स्वप्न साकार हेबो। एकविंश शताब्दी में भारत सबु मेधावी छात्र छात्री को मिल निश्चिंत सुजोग। एही प्रतिश्रुति पालन करिबा पाई केंद्र कैबिनेट रा मंजूरी पाई प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। अर्थ अभाव उच्च शिक्षा जेपरी मेधावी छात्र छात्री माने वंचित हेबे नाही, एहाकु नजरे रखी महत्वाकांक्षी योजना हाथ को निया जाइछि। जातीय शिक्षानीति 2020 अनुजाई मेधावी छात्र छात्री को प्रोत्साहन देवाकु पदक्षेप निया जाइतिला। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना रे गरीब और मध्यवित्त परिवार मेधावी छात्र छात्री को प्रोत्साहन मिलिबो बोली केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछन्ति। एथिपाई केंद्र सरकार पक्षरु 3600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। एथिपाई एक सरल, स्वच्छ और छात्र छात्री को सुहाइला भली डिजिटल प्लेटफॉर्म जोगाइ दिआजिबो। 7,50,000 टंकार 75% क्रेडिट ग्यारंटी रहिबे सरकार। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना NIRF रैंकिंग शिक्षानुष्ठान पाई कार्यकारी हेबो। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनकी ट्यूशन फी, उनकी हॉस्टल फीस, उनकी किताबों के बारे में और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त तो हो पाएगा। ये पहले जितने सारे स्कीम्स था इसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार की थोड़ा हर्डल्स था, जिसको इस बार की स्कीम ने उसको अनबंडल किया है, उसको हर्डल फ्री किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।